अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज नादिया और आज हम लोग बात करेंगे कुछ रिसोर्सेज। मुझे याद ही नहीं रहे जब हम लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट आई जस्ट गो अहेड एंड शेयर विद यू। सो बेसिकली आई वांटेड टू शेयर अ फ्यू मोर थिंग्स विद यू गाइस, जो कि मुझे याद नहीं रही पिछली वीडियो में, और पिछली वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई थी। सो आई थॉट आई शुड मेक अनदर क्विक वीडियो टू शेयर दोज थिंग्स विद यू गाइस। इंटरनेट नॉलेज का ख़जाना है। इंटरनेट पे आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको हर चीज़ मिलेगी। मादी के लिए वर्कशीट्स मिल जाती है, मुझे मैथ्स के लिए, साइंस में आपने कुछ समझाना है, कंप्यूटर के आपने कुछ बात समझानी है, कुछ करना है। यू नो इट्स सच एन इंटरेस्टिंग थिंग, आप कह सकते हैं कि हम लोग खुद सीख सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी चीप। ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इट्स वेरी चीप, और आपको बहुत आराम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक जो उसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि देर आर सो मेनी रिसोर्सेज अबंडेंट रिसोर्सेज के आप हमारे लिए हम पिंग पोंग बॉल की तरह कभी इधर कि अच्छा ये बेहतर लग रहा है, अच्छा ये उससे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, उसकी वजह से हम किसी एक जगह पर ठहरना मुश्किल हो जाता है। सो ये दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ कि हाउ यू आर गोइंग टू take the most out of these resources which are out there for you, for us, for everyone. So iske alawa jo dusri cheez aap kar sakte hain, agar aapko lagta hai ki internet is not something that you are very fond of, ya aapko iske resources itne zyada nahi aap istemal karna chahte, ya meri tarah aap is tarah ke bande hain jisko har cheez ko explore karna acha lagta hai. So I would say the other very affordable resource is library. अनफॉर्चुनेटली हमारी नेशन में, हमारे मुल्क में लाइब्रेरीज पे इतना ज़्यादा काम नहीं किया जाता, बट अगर आपके आसपास आपको कहीं पे लाइब्रेरी छोटी मोटी कुछ भी मिलती है, प्लीज़ गो देयर एंड वहाँ पे आप अपनी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इट्स वेरी इकोनॉमिकल एज़ वेल। हमारे यहाँ पे मॉडल टाउन लाइब्रेरी है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट माईसेल्फ आई यूज्ड टू गो देयर, सो फिर मैं अपने बच्चों को भी लेके जाती रही हूँ, और वहाँ पे आपको बहुत सारी, दो बहुत पुरानी बुक्स हैं, अपडेटेड बुक्स बहुत कम होती हैं, लेकिन मुझे पुरानी बुक्स ज़्यादा पसंद हैं। मुझे आई डोंट नो, आई जस्ट लाइक देम। नॉलेज एक ही है, अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, अगर आप अंग्रेज़ी की बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, पुराने नावल्स होते हैं वहाँ पे, क्लासिक नावल्स, जो आजकल की बुक्स हैं उससे कहीं ज़्यादा आई प्रेफर पुरानी बुक्स। सो कुछ थोड़ी सी बुरी हालत में भी होती हैं, कुछ इस तरह भी होती हैं कि लोग उसमें से कुछ पेजेस, ये हमारी कॉम इस तरह की है कि कुछ पेजेस फाड़े होते हैं, बट स्टिल इट्स ए ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज। आप वहाँ जा सकते हैं, अपने बच्चों के साथ वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। किड्स की जो सेक्शन है वहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी सारी नई बुक्स भी हैं, रीडिंग की बुक्स वहाँ पे अबंडेंट हैं। अगर आपका बच्चा, अगेन वही बात है, रीडिंग करना सीख रहा है, साइट वर्ड्स को रिकग्नाइज करना शुरू कर देता है थोड़ा थोड़ा, तो बहुत सारी बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो बजाय इसकी कि आप खुद परचेज करें उसको और फिर स्टॉक करते जाएँ और थिंग्स लाइक दैट, यू जस्ट कैन गो देयर, सिट देयर, रिलैक्स। एंड आज जो गर्मी का मौसम है, यानी आजकल का मौसम है, इसके अलावा जब हम तब जाते हैं तब थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है, जैसे सर्दियाँ हो गई, या थोड़ा सा फेब का या मार्च का मौसम चल रहा होता है, या सितंबर अक्टूबर, तो उससे ये होता है कि आपको ज़्यादा, आप वहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा रिसोर्स ये है वो ये है कि आप अपने आसपास आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, जिनके बच्चे अच्छे स्कूल, आजकल बहुत सारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, जहाँ पे लातादाद बुक्स जो हैं करिकुलम में शामिल होती हैं। तो आप के रिलेटिव्स में कोई हैं, आपके फ्रेंड्स में कोई हैं, जिस तरह मेरी एक फ्रेंड किरण है, किरण की बेटी वीकना स्कूल में जाती है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आई एम गोना आस्क हर एनीथिंग कि मुझे ये बुक चाहिए, या आई वांट जब उसकी हर डॉटर्स बुक्स, जब वो शी इज़ नॉट यूजिंग, जब पुरानी हो गई हैं, आई कैन ऑलवेज आस्क हर एंड शी बी मोर देन विलिंग टू lend those to me. तो इस तरह आप कर सकते हैं। और दो आई नेवर आस्क हर, क्योंकि मेरे पास अपनी ही इतनी सारी रिसोर्सेज हो जाते हैं, एज आई सेड दैट कि इंटरनेट से मुझे बहुत सारे कुछ मिल जाता है, बट स्टिल आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन कि बहुत सारे लोग आपके आस पास होंगे जानने वाले, जिनसे हम, आई न्यू अ फैमिली जहाँ पे वी यूज टू गो, एंड
शी ओपनली ऑफर मी कि हमारे पास इतनी सारी बुक्स हैं एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू टेक एनी यू गाइज कैन टेक रीड दैम एंड कैन गिव अस बैक एंड आपको बहुत आप पूछ के तो देखें पीपल आर मोर देन विलिंग टू शेयर देयर बुक्स विद यू गाइज सो इट्स नॉट ऑलवेज कि यही हमेशा सोल्यूशन नहीं है कि अगर आपने अपने बच्चों को रीडिंग सिखानी है या कुछ साइंस पढ़ानी है कुछ पढ़ाना है तो आपको जाके बुक लेनी ही पड़ेगी आपको आस पास किसी से पूछ लेंगे अपने नेबर्स में पूछ लेंगे Actually, I'm a big believer, I'm a firm believer of sharing the knowledge, I'm a firm believer of sharing the books. अगर मेरे पास books ऐसी पड़ी हैं जो कि मेरे बच्चों के काम नहीं आ रही तो I just या मेरे काम नहीं आ रही तो I am always ready to give those books away. ठीक है तो मनाहिल की दफ़ा जब मनाहिल ने रीडिंग वगैरह कर कर ली तो जो उसके रिसोर्सेज थे जो मैंने अपने हाथों से बनाए हुए थे I gave them away to one of my mother's neighbors. उनकी छोटी सी बेटी थी सुमैया मैंने उसको दे दिया एंड फिर जब मादी का टाइम आया तो जो बुक्स थी जो मैंने आपको शायद पिछले दिनों जो दिखाई थी बिफ चिप एंड किपर की बुक्स जो हैं वो मेरी अम्मी के एक नेबर्स हैं उनके मैं उनके अम्मी के घर से वापस आ रही थी एंड शी गेव मी अ बिग क्या कहते हैं थैला सा उन्होंने मुझे दे दिया एंड शी वाज लाइक के वो मादी को मानूर कहती हैं शी वाज लाइक कि मानूर मैनू लगता है कि मानूर दे कम मान गया है साडा मुंडा ते हुन वड्डा हो गया दे कम मान गया शी आई डिडंट इवन आस्क हर एंड शी गेव दोज बुक्स टू मी एंड देयर वर सो मेनी बुक्स जो कि प्राइमरी रीडिंग की होती हैं एंड आई डिडंट हैव टू बाय एनीथिंग सो आप अपनी चीज़ें अपना नॉलेज शेयर करते रहें तो अगर आपको अल्लाह ताला और देता रहेगा सो आई विद बुक्स मैंने हमेशा ये चीज़ नोट की है कि आप अपना नॉलेज अपनी बुक्स दोस्तों के साथ शेयर करें आपको कभी कमी नहीं आएगी आपके बच्चों को कभी कमी नहीं आएगी सो द थर्ड रिसोर्स वॉज सेकेंड हैंड बुक स्टोर्स एक अब भी सेकेंड हैंड बुक स्टोर्स भी काफ़ी अब एक्सपेंसिव हो गए हैं लेकिन यू कैन ऑलवेज गो देयर उर्दू बाजार है हमारा लाहौर में आप वहाँ जा सकते हैं मीनार कली में जा सकते हैं ढूंढने वाले कहते हैं ना शक्कर खोरे को शक्कर मिल जाती है तो आप ढूंढने वाले बने आपको बहुत सारे रिसोर्स मिल सकते हैं जहाँ पे आप बहुत कम पैसों में ट्रस्ट मी मैंने अनारकली में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अपने बचपन में मैंने बहुत खूबसूरत बहुत वंडरफुल किताबें ऐसी नहीं जिन्होंने शायद दे मेड मी हु आई एम टुडे दे हेल्प मी विद माई लैंग्वेज एंड I just believe that कि आप अगर किसी जर्नी पर निकल पड़ते हैं तो आपको मिल जाता है हाथ आपका पकड़ लेता है अल्लाह ताला और फिर आ जाते हैं जी कुछ चीज़ें आपको कुछ बुक्स अगर आपको चाहिए ही चाहिए हैं जैसे OLX से मैंने कंप्यूटर की बॉस एक दफ़ा एक बच्चा बेच रहा था और उसके अंकल थे उन्होंने PhD की थी या क्या और उनके पास 40-50 बुक्स थी तो दो कुछ काफ़ी ख़राब भी हुई हुई थी तो ही वॉज लाइक दे जस्ट ही जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल दोस ही वॉज लाइक यार उससे मुझे हार्डली लाइक 5-6 thousand में वो बेचारा खुद बाइक पे इतनी सारी बुक्स अपने दोस्त के साथ उठा के लेके आए एंड जस्ट गिव देम टू मी सो दोज आर सो मेनी बुक्स एंड आई गॉट देम फॉर लाइक 6,000 रुपीज फिर यहाँ पे एक थी खातून उनको मैंने OLX पे कांटेक्ट किया मनाइल की ओ लेवल की बुक्स के लिए एंड उन्होंने जितनी भी बुक्स होंगी उन्होंने कहा बच्चे आपको कितनी और चाहिए मेरे पास तो सारी पड़ी हुई थी इतनी सारी पड़ी थी मैंने पहले किसी और को दे दी हैं मैंने बेची भी नहीं मैंने उनको ऐसे ही दे दी हैं सो मेरी किस्मत में जो थी एंड आई ऑल्सो बॉट देम फॉर 5,000 रुपीज़ लाइक देर ऑल्सो अ लॉट ऑफ बुक्स प्रैक्टिस की बुक्स थी उसके अंदर बहुत कुछ था उसके अंदर सो OLX पे भी आपको कभी कभी इस तरह से चीज़ें मिल जाएंगी इसी तरह आपको दिस वॉज द फोर्थ रिसोर्स जो कि हेला मैंने नंबरिंग भी नहीं की द फर्स्ट हम चलो रिवाइज कर लेते हैं द फर्स्ट आई टोल्ड यू द मेन रिसोर्स वॉज इंटरनेट द सेकेंड आई टोल्ड यू वॉज लाइब्रेरी द थर्ड आई टोल्ड यू वॉज यू कैन आस्क अ फ्रेंड अ रिलेटिव और नेबर इफ देयर किड इज गोइंग टू यू नो अ गुड हाई फाई स्कूल जहाँ पे उसकी बुक्स आपको लगता है वो ही इज़ नॉट नो मोर रीडिंग इट और या फिर उसके आगे भी उनको नहीं चाहिए होंगी तो यू कैन आस्क देम तुम लगाओगे सी डूब जाएगा ओके सो दैट फोर्थ रिसोर्स आई टोल्ड यू वाज के यू कैन गो टू सेकेंड हैंड बुक शॉप्स
एंड देर आर सो मेनी, देर आर सो मेनी. हमारे टाउनशिप में काफ़ी सारी थी. आई डोंट नो, उन्होंने सारी ख़त्म कर दी और फिर अब बहुत कम रह गई हैं, लेकिन स्टिल अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी. देन फिफ्थ वॉज OLX एंड या कोई और साइट्स जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस है. इसके अलावा आप ख़ुद भी लिख सकते हैं कमेंट्स में जो आपको पता है कि ये जिनका आपको पता है रिसोर्सेज का, जो कि आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. एंड सिक्स्थ वन वॉज रद्दी वाला. मेरा अपना एक्सपीरियंस है. मेरी खुद माई फादर गॉट मी सो मेनी वेरी गुड बुक्स व्हेन आई वॉज बैक इन ओ लेवल्स. तो वो उनके वो मॉल टाउन में उनका ऑफिस था, तो वहाँ पे एक रद्दी वाला जा रहा था, तो वहाँ पे किसी ने बुक्स अपनी बेची थी उसको रद्दी वाले को. तो रद्दी वाले से आपको पता है कि वो तो ना उसको पता होता है कि इसकी क्या वैल्यू है, सो वो सिर्फ उसको वजन के हिसाब से बेच देता है, वेरी एक्सपेंसिव. दूसरा वो रद्दी वाला उनका, क्योंकि ऑफिस में काफ़ी सारी रद्दी होती है, तो वो उनका रेगुलर रद्दी वाला था. सो ही जस्ट गेव ऑल दोज बुक्स ऑलमोस्ट फॉर फ्री. एंड एक दफ़ा मुझे खुद आई वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर, तो लाइक मैं सड़क पर ऐसी पैदल ही आई रिमेम्बर द प्लेस. मैं अपनी अम्मी की तरफ ही जा रही थी मैं अपनी अम्मी की तरफ ही, तो उनके घर से फिर शायद मैं आगे वो था फल वाला सब्जी वाला धो लेने गई थी. जब मैं वापस आई तो उनके घर के सामने ही वो खड़ा मुझे मिला रद्दी वाला. मैं उसके पास देखा, उसके पास काफ़ी अच्छी बुक्स थी, बहुत अच्छी, लाइक ऑक्सफोर्ड की बुक्स थी उसके पास. तो मैंने उसे खड़े होकर पूछा कि, और देन अगेन ही डिडंट नो द वैल्यू. एंड आई गॉट दोज बुक्स फॉर लाइक हार्डली लाइक 300-400 रुपीज़ की. और जितनी भी बुक्स मुझे उसमें अच्छी लगी, जो मुझे चाहिए थी, आई गॉट देम. सो दीज आर द थिंग्स, दीज ऑलवेज वॉच फॉर कि आपको कहाँ से क्या मिल जाए. पिछले दिनों सेकेंड हैंड स्टोर्स के अलावा ये जो बुक स्टोर्स होते हैं, कुछ स्टोर्स ऐसे भी हैं यहाँ हमारे टाउनशिप में, बहुत सारे ऐसी जगह आपको कहीं कहीं मिल जाती हैं, जैसे मॉडल बाजार है. आपको पुराना जो बाहर का सामान होता है उसके अंदर काफ़ी बुक्स भी होती हैं. सो आई एम ऑलवेज ईगर टू गो थ्रू दोज बुक्स के वहाँ पे कुछ अच्छी मिल जाए. वी वॉन्ट टू रीड द क्राइम एंड पनिशमेंट, मैं और मनाहिल, और हम ऑर्डर करने ही वाले थे, लेकिन मैं अर्शद के साथ संडे को एक दिन गई एक सेकेंड हैंड स्टोर पे. देन आई फाउंड पेंगुइन पब्लिशर्स की क्राइम एंड पनिशमेंट देयर. सो दैट्स प्रीटी मच इट. एंड आई होप यू गाइज गॉट सम यू नो हेल्पफुल एडवाइस. एंड अगर आप लोगों को और भी चीज़ों का पता है जो कि मैं नहीं बता सकी, जिसका मुझे पहले से नहीं पता, तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स सो दैट वी ऑल लर्न एंड ग्रो टुगेदर. तो जब मैंने आपसे बात की कि आई यू नो बाय बुक्स एंड दिस, आप मेरे घर आएंगे तो आपको कहीं पे बुक्स नज़र नहीं आएंगी. उसकी वजह यह है कि आई डोंट लाइक दम आउटसाइड. बुक्स के नाम लिखे होते हैं पीछे एंड व्हेन यू स्टैक दम दैट समथिंग दैट मेस विद माई ब्रेन. सो आई हाइड दम, सो आई कैन हैव दम आउटसाइड. एंड आई डोंट बाई सो मेनी बुक्स. यू नो द की इज के बिकॉज़ आई एम अ मिनिमलिस्ट, आई डोंट बाई सो मेनी बुक्स. आई डू बाई बुक्स विच आर मैथ की बहुत अच्छी बुक्स जो हैं, वो मेरी कमजोरी है. इसके अलावा आई डोंट बाई टू मेनी बुक्स. और अगर कुछ बुक्स आई सिफ्ट थ्रू दम, और जो बुक्स मुझे लगता है कि नहीं दिस इज़ नॉट रेलिवेंट एनी मोर, अब इनको ज़रूरत नहीं है इसकी, देन आई ऑल्सो रेगुलरली गिव दम अवे. So that's the thing, and thank you very much again for listening to me, and you guys have a great day ahead. Bye.